जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे खूबसूरत लिमिटेड कंपनी को। खूबसूरत लिमिटेड से क्या न्यूज निकलकर सामने आ रही है, जिसकी वजह से देखेंगे तो स्टॉक में तकरीबन आज 4.5% के आसपास गिरावट देखने को मिला है। ये गिरावट नहीं है, बेसिकली लोअर सर्किट लगा है। लोअर सर्किट किस न्यूज की वजह से निकल कर लगा है, क्योंकि अभी तक आप जानते थे कि स्टॉक अपर सर्किट में चल रहा था। पिछले 2-3 दिनों से तो अपर सर्किट में स्टॉक चल रहा है, खूब शेयर के प्राइस रिकवरी के मूड में थे, नीचे से ऊपर की तरफ। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अब ये जो अपर सर्किट थे वो अब लोअर सर्किट में बदल गए हैं और कंपनी का शेयर प्राइस नीचे आने लगा है। इस पर बात पे भी हम लोग बात करेंगे। उसके पहले यहाँ पे देखेंगे स्टॉक को ESM स्टेज वन की श्रेणी में डाल दिया गया है, तो अब ये कहीं ना कहीं एक और निगेटिविटी फैलाएगा इस कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बाजार में किसी भी स्टॉक को लेकर माहौल होता है उसके बारे में, उस परिप्रेक्ष्य में समझे तो नोटिफिकेशन में आप देख लीजिए पहले कि अभी तक क्या हो रहा था कि स्टॉक में पहले 2-3 दिनों से खूब अपर सर्किट ही आपको लगते हुए दिख रहा था, लेकिन आज जाके फाइनली इसमें लोअर सर्किट लग गया। तो ये लोअर सर्किट लगा है एक न्यूज की वजह से। न्यूज क्या है, यहाँ पे आप बीएससी के वेबसाइट पे देखेंगे। इस का जो ये स्टॉक लिस्टेड था मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज में, बेसिकली MSCIL के नाम से जाना जाता है स्टॉक में। देखिए NSE और BSE के अलावा भी हमारे देश में स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जहां से शेयर्स की खरीद बिक्री होती है। हम लोग तो अभी तक NSE और BSE ही जानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी और भी स्टॉक, मतलब अलग अलग वेबसाइट्स हैं, आप ऐसे समझिए, जिसे अनलिस्टेड मार्केट में जो शेयर्स हम लोग बाई सेल करते हैं, किसके माध्यम से करते हैं, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसके थ्रू ये सब बाई सेल होता है। तो NSE BSE तो मेजर और मेन अपना जो एक्सचेंज है वो तो हो ही गया, इसके अलावा बहुत सारे छोटे बड़े एक्सचेंजेस हैं इस देश में। उसी में से एक एक्सचेंज है मेट्रोपॉलिटन एक स्टॉक एक्सचेंज, जिसको शॉर्टकट में MSEIL के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से अभी क्या है कि खूबसूरत लिमिटेड अब इससे इस स्टॉक से बाहर होने जा रहा है, लिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स फ्रॉम MSEIL। देखिए इससे कोई बहुत बड़ा इफेक्ट कंपनी के शेयर प्राइस पे पड़ेगा नहीं, लेकिन क्या है कि एक सेंटिमेंट बन जाता है, माहौल बन जाता है, जिसको लेके निगेटिविटी थोड़ी सी फैल जाती है। और शेयर बाजार देखिए न्यूज के बेसिस पे ही ऊपर नीचे होता है, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है, मतलब मैं शॉर्ट टर्म में बात कर रहा हूँ। इस स्टॉक में लिस्ट होने की वजह से कंपनी का जो कारोबार था, जिसे आपको पता था गोवा में लीकर का फैक्ट्री डाल रही थी, उस पर काम काज भी काफी तेजी से चल रहा था। मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया था, कंपनी के 2-3 नए नए जो अपडेट आए थे और इससे रिलेटेड एक और भी अपडेट निकले बीच में सामने आए थे, कंपनी को बोनस शेयर्स और डिविडेंड भी देने का उम्मीद है, तो उसके बारे में मैंने अपडेट किया था। तो बहरहाल इसमें हम लोग इस बात पर फोकस करते हैं कि जो मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी की डिलिस्टिंग होने जा रही है, इसको लेके जो न्यूज निकल के सामने आ रही है, एक्चुअल में पूरा न्यूज क्या है। तो यहाँ पे देखिए खूबसूरत लिमिटेड का ये डिटेल्स मैंने ओपन कर लिया, ये PDF है और आज कल का डेट है 27 अगस्त का। 27 अगस्त को बेसिकली अपडेट सामने आया था, जिसमें बताया गया था कि डिलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज फ्रॉम MSEIL। सिक्योरिटीज मतलब कंपनी के शेयर जो मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड से, अब उसको डिलीट किया जा रहा है, वहां पे इस कंपनी के शेयर ट्रेड नहीं होंगे। यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है कि जो भी इस कंपनी के सदस्य हैं उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि ये कंपनी इस स्टॉक एक्सचेंज से डिलिस्ट होने जा रही है। इसके बाद कंपनी के जो शेयर्स हैं 2 सितंबर 2024 से इस स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होंगे। तो जिसके भी शेयर्स अभी तक पड़े हुए हैं उस स्टॉक एक्सचेंज, जिसने भी बाई किया है चाहे तो बेच सकता है इसके पहले, या वैसे तो सामान्यतः यदि NSE पे बाई किए हैं तो BSE पे बेच सकते हैं, ऐसा हो जाता है, लेकिन पता नहीं यहाँ पे ऐसा हो कि नहीं। इसलिए आपके पास इस स्टॉक एक्सचेंज पे कंपनी का शेयर लिस्टेड है तो उसको कोशिश कीजिए कि आप इसको बेच दें। तो ये बेसिकली अपडेट है। अब यहाँ पे समझिए, एक मैं आपको न्यूज दिखाता हूँ, हिंदुस्तान का ये न्यूज है। यहाँ पे क्या हो रहा था, जिसमें शुरू में ही आपको बताया कि पिछले कुछ दिनों से स्टॉक में तो अपर सर्किट लग रहा था, अपर सर्किट लग रहा था, तो इस स्टॉक को बाई करने के लिए खूब लोग आ रहे थे। देखिए छोटे स्टॉक्स में ज्यादातर न्यूज ही काम करता है। अपर सर्किट लग जाए तो लोगों को लगता है कंपनी में सब चंगा सी, खूब बाई कर लो। लोअर सर्किट लगता है तो लोग डर जाते हैं और बेचने लगते हैं, जबकि यदि आप कंपनी के चार्ट पर देखेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छा मौका भी दे रहा है आपको बाई करने के लिए। यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं कि जो अपर सर्किट लग रहा था पिछले 2-3 दिनों में खूब स्टॉक चढ़ा और स्टॉक चढ़ने के साथ प्राइस भी बढ़ा, कारोबार भी करोड़ों में हुआ कंपनी का। और अभी क्या है कि जो न्यूज निकल कर सामने आ रही वो न्यूज भी यहाँ पे इस जो आर्टिकल है इसमें छपा है। खूबसूरत लिमिटेड को मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज से बाहर किया जा रहा है, 2 सितंबर से इसमें ट्रेडिंग नहीं होगी। और तकरीबन यहाँ पे देखेंगे 47 करोड़ 2 लाख के आसपास शेयर्स इस स्टॉक एक्सचेंज पे सिर्फ लिस्टेड है, जहां से अब ये बाहर हो रहा है। क्या मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज से बाहर होने से खूबसूरत लिमिटेड को कोई दिक्कत है? आसान भाषा में समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म में यदि आप इस कंपनी में निवेशक हैं तो ये जो जिस स्टॉक एक्सचेंज से स्टॉक बाहर हो रहा है उससे इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपने आप में से मेजर लोगों ने जो इस कंपनी के शेयर्स ले रखे होंगे वो कहाँ से लिए होंगे? NSE और BSE जैसे एक्सचेंज से लिए होंगे, तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं। यहाँ पे स्टॉक अभी भी ट्रेड हो रहा है और आगे भी ट्रेड होगा। बाकी जैसे मैंने बताया कंपनी का जो काम धाम है और जैसे जो नए अपडेट्स आने वाले थे
मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। तो उसके बदौलत भी कंपनी के शेयर प्राइस लॉन्ग टर्म में ऊपर जाएंगे ही जाएंगे। बाकी अभी देखेंगे तो अभी इसमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। यदि आप चाहें तो 1 रुपए 20 पैसे से लेकर 1 रुपए 40 पैसे के बीच में इसको बाई कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करके चल सकते हैं। बाकी यदि कुछ जानना चाहते हैं, और भी कुछ बात छूट गया हो जो इस वीडियो में अपडेट नहीं किया है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या आप व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।